ओके, तो दो दिन पहले मैं एक पोल किया था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वीडियो एडिटिंग या फिर डिकोडिंग वाइटी का थंबनेल ब्रेकडाउन। तो काफी लोगों ने डिकोडिंग वाइटी के थंबनेल ब्रेकडाउन पे वोट किया, तो लो भाई लेके आ गया हूँ एक फ्रेश वीडियो। इसमें तुम्हें बताऊंगा कि डिकोडिंग वाइटी अपने थंबनेल को कैसे क्रिएट करता है। डिकोडिंग वाइटी के थंबनेल में यूज होने वाले फॉन्ट, बैकग्राउंड, एलिमेंट, कलर एक्सेट्रा सारा चीज ही क्लियर कर दूंगा, और ये भी बताता चलूंगा कि थंबनेल क्रिएट करने के लिए मटेरियल किधर से डाउनलोड करनी है। वेल, डिकोडिंग वाइटी का लेटेस्ट वीडियो की ए वाली थंबनेल को रिक्रिएट करके बताऊंगा तुम्हें। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, काफी इजी वे में बना लोगे। ओके, तो थोड़ा इस थंबनेल को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से मटेरियल को यूज की गई है। नंबर 1 यूट्यूब लोगो पीएनजी, नंबर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब पीएनजी, नंबर 3 एक लाइट पीएनजी को यूज की गई है, एंड नंबर 4 ब्लैक बैकग्राउंड। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता ही देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज का थंबनेल ब्रेकडाउन। ओके, तो सबसे पहले मटेरियल को डाउनलोड कर लेते हैं। एग्जैक्टली हम वही मटेरियल डाउनलोड करेंगे जो इस थंबनेल को बनाने के लिए यूज की गई है। एज यू कैन सी कि थंबनेल के पीछे जो बैकग्राउंड यूज हुआ है वो ब्लैक या फिर डार्क है, तो सेम बैकग्राउंड हम डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली गूगल क्रोम के अंदर आ जाना। तो इस तरीके से गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे पिक्सावे वेबसाइट में चले जाना है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पिक्सावे एंड इसको सर्च कर देना है और इस फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च कर देना है ब्लैक बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड। उसके बाद सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद थोड़ा नीचे आना एंड जैसे कि तुम देख सकते हो एग्जैक्टली वही बैकग्राउंड है जो थंबनेल में यूज की गई है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे टाइप करना एंड यहाँ पे डाउनलोड आइकन दिख जाती है, उस पर क्लिक करना और यहाँ पे थोड़ा मैं साइज़ को इंक्रीज करके और सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। अब डाउनलोड भी हो गया है। तो अब बारी आती है कि बल्ब को डाउनलोड करने की। तो बल्ब कैसे डाउनलोड करोगे, ऊपर टैप करना इस तरीके से एंड यहाँ पे लिख देना इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, और उसके बाद पीएनजी टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे साइड में लिख देना विंग पीएनजी। एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे तुम काफ़ी सारे पीएनजी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद इस इमेज पे क्लिक कर देना एंड थोड़ा ऊपर करता हूँ एंड ये जो सेटिंग दिख रहा है ना उस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे एचडी पे क्लिक कर देना। इससे होगा क्या कि जितने भी इमेज शो होंगे वो एचडी क्वालिटी में शो होंगे। तो अब थोड़ा ऊपर करेंगे एंड मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली वही वाला बल्ब जो उसमें थंबनेल में यूज की गई है। ओके, तो ये वाला है वो बल्ब जो थंबनेल में यूज की गई है। सो मैं विजिट पे क्लिक करता हूँ एंड मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देख लेता हूँ कहाँ पे है। हाँ जी, तो ये रहा वो बल्ब। अब इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना एंड थोड़ा और नीचे करना और हाँ, डाउनलोड दिस पीएनजी पे क्लिक करेंगे तो ये जो पीएनजी है वो डाउनलोड हो जाएगा। सो अब बारी है यूट्यूब पीएनजी को डाउनलोड करने के लिए। तो सिंपली वही वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ यूट्यूब लोगो पीएनजी और सर्च कर देना। ओके, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक करूँगा एंड थोड़ा नीचे करते हैं, डाउनलोड दिस पीएनजी पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड भी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बाकी रह गया, वो है कि इस बल्ब के पीछे जो लाइट है ना वो बाकी रह गया। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैप करना और यहाँ पे लिख देना लाइट पीएनजी एंड सर्च कर देना। बस यहाँ पे काफ़ी सारे आ जाती है लाइट, तो ट्रांसपेरेंट पीएनजी यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड अगेन इसके वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं, वहाँ से डाउनलोड करेंगे। ओके, तो इसको डाउनलोड करने के लिए थोड़ा नीचे आऊँगा और थोड़ा नीचे आते हैं। ओके, यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लाइट पीएनजी भी डाउनलोड हो गया है। अब मटेरियल डाउनलोड हो जाए तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब इस टेक्स्ट को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ एंड राइट हैंड साइड कॉर्नर पर तुम देख पा रहे हो कि 3 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करना एंड इमेज साइज पर क्लिक करना। यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट रहेगा तो इसको यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके ओके कर देना। अब यहाँ पे उस बैकग्राउंड को ले लेना है जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूँगा, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा
और यहाँ से मैं उस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। सो यहाँ पे आके और ये रहा वो बैकग्राउंड, और इसको टिक कर देता हूँ। ओके, अब इसको फुल स्क्रीन कर देना है लाइक दिस। मैं खींच के बड़ा कर लेता हूँ, एंड इस साइड बाकी रह गया तो इसको भी खींच के बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड जब ये फुल स्क्रीन हो जाए तो लेयर में क्लिक करना एंड इसको लॉक कर देना यहाँ से, ताकि ये मूव ना हो। अब आ रही आती है इसमें ग्राफ ड्रॉ करने की, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, एकदम ईजी है। ध्यान से देखो, ये जो थर्ड वाला जो सर्कल बना है ना शेप, उस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे एक बेजियर का ऑप्शन मिल जाती है, सिंपली उस पर क्लिक करना। और जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड कलर के साथ मर्ज हो गया, मतलब उतना हाईलाइट नहीं हो पा रहे, तो लाइक इसको हाईलाइट करने के लिए थोड़ा नीचे आना एंड इसका कलर को चेंज कर देना लाइक दिस। अब ये हाईलाइट हो गया, अगेन ऊपर आना एंड एक्शन के जस्ट नीचे जो क्रस बना हुआ है ना जिस आइकन पे, उस पर क्लिक करना। तो जैसे क्लिक करोगे वो हाइड होके एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पॉइंट को मूव करने के लिए बेजियर मोड पे ये जो थर्ड वाला आइकन है ना, उस पर क्लिक करना। अब उस पर क्लिक करोगे तो इसको मूव कर पाओगे। अब इसको मूव करके नीचे की तरफ लेके आना है, यानी कि हमें जहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करना है वहाँ पे लेके इसको सेट कर देना है लाइक दिस। मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं थंबनेल को देख लेता हूँ पहले। सो ओके, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ओके ठीक है, तो मैं पिक्सल लैब में वापस आऊँगा और बेजियर मोड के जो फर्स्ट वाला आइकन दिख रहा है ना प्लस बना हुआ, उस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सो एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे तुम्हें लगता है कि गलत तुम ड्रॉ कर दिए हो तो एक स्टेप बैक भी जा सकते हो। तो एक्शन के जस्ट नीचे जो क्रॉस बना हुआ है ना, उस आइकन पे क्लिक करोगे तो एक स्टेप बैक चले जाओगे। एंड अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। सो अभी देखते हैं। ओके, तो ये लास्ट पॉइंट बचेगा तो इसको मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फिनिश हो जाए तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसको ऐसे मत छोड़ना, वहाँ से इस तरीके से एक नीचे की तरफ लेके आना एंड इसको साइड में करके इसको छोड़ देना। अब जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि ग्राफ में जो एंगल बनना चाहिए वो नहीं बना है, ठीक है। तो एंगल बनाने के लिए ये बेजियर मोड के सेकेंड वाले ऑप्शन पर चूज करना एंड यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे एंगल बनाना है तो इस पर टैप करूँगा और इसको खींच के लाइक इस तरीके से एंगल बना लेता हूँ। तुम जब इसको ट्राई करोगे ना तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा समझ जाओगे कि क्या लोचा है इसमें। तो जब एंगल बना लो तो उसके बाद ये जो एक्शन के थर्ड वाला जो आइकन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे ज्वाइंट हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाती है ओपेसिटी का। अब इसको थोड़ा मैं बढ़ा लूँगा लाइक दिस एंड इसका कुछ कलर को भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, तो मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। अभी देख पा रहे हो कि उतना बेस्ट कलर नहीं दिख रहा है, तो इसको बेस्ट बनाने के लिए प्लस पे क्लिक करना एंड ऊपर का ये दो को छोड़ देना, जैसा है वैसा ही छोड़ देना। और ये थर्ड वाला है ना, इसको इधर की तरफ लेके आना, अपोजिट साइड लेके आना, उसके बाद ओके करके देख लेना, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगेन मैं एक बार उसका थंबनेल को देख लेता हूँ। अभी भी एक काम करते हैं, थोड़ा इसको ना यहाँ पे लेके आते हैं ताकि सेम कलर में हो जाए। इसको थोड़ा आगे करेंगे एंड आई थिंक हो गया। अभी नीचे देख पा रहे हो कि नीचे का जो लेयर है वो ऊपर टच हो गया है, तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे बेजियर मोड के जो सेकेंड वाला ऑप्शन है उसी पे रहना। ये नीचे वाला जो लाइन है ना, इसको पकड़ना है और नीचे की साइड करना है इसको लाइक दिस। इस तरीके से इसको नीचे करना और अभी देख पा रहे हो कि एकदम परफेक्ट हो गया है। ये जो स्ट्रोक है ना साइड में, इस स्ट्रोक को थोड़ा बढ़ा देना है, तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। और स्ट्रोक बढ़ाने के लिए थोड़ा नीचे आना, इस स्ट्रोक वाइथ को थोड़ा बढ़ा देना लाइक दिस एंड इसको आई थिंक 6 पे रखते हैं, ठीक है। एंड ओके करता हूँ अभी, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा लाइट ज़्यादा है, तो एडिट में जाऊँगा और इसका जो ओपेसिटी है ना, इसका यहाँ से मैं कम कर दूँगा लाइक दिस
एंड अभी हो गया, अगर नहीं होता तो प्लस पे क्लिक करके एंड ये जो है ना इसको ट्रांसपेरेंट की तरफ और ले गया था तो एकदम सही हो जाता है। और अभी देख पा रहे हो कि एकदम बेस्ट हो गया, तो इसको ओके करते हैं। हाँ जी, तो ग्राफ का काम फिनिश हो जाए तो अब एक काम करना, लेयर पे क्लिक करना और ये जो बैकग्राउंड है ना इसको अनलॉक करके एंड बैकग्राउंड पे टैप करना, उसके बाद यहाँ पे टैप करके और इसका जो मतलब ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम करेंगे, तो कलर फिल्टर में जाना एंड ब्राइटनेस को थोड़ा लो कर देना लाइक दिस। ओके, -35 भी कर लूँगा एंड इसको डन कर लेते हैं। अब उसको भी अगेन जाके यहाँ पे ऑफ कर देना है, मतलब लॉक कर देना है उसको। बस इतना करने के बाद अब इसमें एलिमेंट को यूज करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूट्यूब के PNG को लेके आता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है छोटा करके। अब इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद एकदम लास्ट में आना और यहाँ पे इम्बोस करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना एंड इसको इनेबल कर देना। ये मतलब एक टूटा टाइप का हो जाएगा, मतलब टूट गया है ऐसे, तो इसको फिक्स करने के लिए इसको छोटा बड़ा करके देख लेना लाइक दिस। अब इतना करने के बाद इसको एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए सेटिंग में आऊँगा यहाँ पे एंड ये जो बेवेल है ना इसको पूरा 100 कर देना एंड इंटेंसिटी जो है ना ऊपर का उसको 100 कर देना। और बाकी रह गया दो ऑप्शन, तो इसको मैं 33 पे कर लेता हूँ। ये जो एम्बियंट लाइट है ना इसको मैं पूरा कम कर दूंगा लाइक दिस एंड इसको मैं टिक कर देता हूँ। अब जैसे कि देख पा रहे हो कि कितना बढ़िया दिख रहा है, पूरा 3D लुक में आ गया। अब इसको कॉपी कर लेना क्योंकि एक और लोगो चाहिए हमें, तो इसको कॉपी कर लूँगा एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा फीका फीका कलर होता है ना जैसे मैं बताता हूँ। अब इस थंबनेल में देख पा रहे हो कि एक साइड में फीका कलर दिख रहा है, ओके। तो इसको किस तरीके से कर सकते हो मैं बताता हूँ। इस लोगो पे टैप करना, ओके, एंड यहाँ पे आना और यहाँ पे तुम्हें कलर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाती है, उस पर क्लिक करना और सेचुरेशन जो है ना उसको एकदम यहाँ पे -100 कर देना। तो इसको इस तरीके से घुमा लूँगा एंड टिक पे करता हूँ लाइक दिस एंड इसको मैं छोटा कर लूँगा। इस तरीके से बल्ब को प्लेस करने के बाद अब नीचे की साइड आना एंड यहाँ पे इनर शेडो का ऑप्शन मिल जाती है, उस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे जाना और यहाँ पे मैं एक कलर सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसको ब्लर रेडियस 100 मतलब पूरा 25 कर देता हूँ। इसको मैं टिक कर लेता हूँ एंड इम्बोस करके ऑप्शन है ना उस पर जाना एंड इसको इनेबल कर लेना। इसको भी छोटा बड़ा करोगे ना तो हो जाता है। तो इस तरीके से करने के बाद एंड यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, तो मैं इसको 100 कर लेता हूँ, इंटेंसिटी को 100 कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लाइक दिस एंड इसको भी चेंजेज करके देख लेता हूँ। सो इस तरीके से दिख रहा है। एक काम और कर सकते हैं इसमें, इसमें टिक कर लेता हूँ और उसके बाद इनर शेडो में जाऊँगा, यहाँ से इस तरीके से कर लेता हूँ। ओके, अभी ठीक हो गया, इसको हम टिक कर देंगे यहाँ से। अब इसी को हम कॉपी करेंगे लाइक दिस एंड इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ओके। अब इसको भी हमें क्या करना है कि फीका कलर करना है, ठीक है। तो कलर फिल्टर में आना एंड सेचुरेशन को पूरा 0 कर देना। अब ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इनर शेडो ऑन है, तो इनर शेडो को ऑफ कर देना लाइक दिस। अब कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, इस तरीके से एडजस्टमेंट करने के बाद इसको टिक कर देना। अब इसके बाद हमें लाइट PNG को ऐड करना है, तो प्लस पे क्लिक करूँगा एंड जब ऐड हो जाए तो यहाँ पे आना इरेज कलर पे और इसको इनेबल कर देना। उसके बाद ये जो पेन वाला आइकन दिख रहा है ना उस पर क्लिक करना और इसको ले आके ब्लैक पार्ट पे रख देना लाइक दिस एंड इसको ओके कर देना। अब जो टॉलरेंस है इसको 70 पे कर लेना एंड इसको टिक कर देना। ओके, इस तरीके से बढ़ाने के बाद लेयर पे क्लिक करना एंड अब क्लिक कर लेना कौन सा बल्ब इधर का साइड का है। ये वाला बल्ब है तो इसको मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, 2 फॉन्ट में क्लिक कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा और जो लाइट है वो पीछे की तरफ चल जाएगा। तो अब इस थंबनेल में ध्यान से देखोगे तो ये जो बल्ब है इसमें थोड़ा शेडो डाला गया है और जो लोगो है इसके ऊपर ऊपर शेडो डाला है, ठीक है, लाइट का। तो ये किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे शेडो डाल देते हैं, तो इस पर क्लिक करना
एंड आना शेडो वाले ऑप्शन में, इसको ऑन कर देना। एंड इसका जो है ना, इसको एकदम कम रखना, 4 के अराउंड रखना। और ऑफसेट वाई है ना, इसको थोड़ा बढ़ा देना, लाइक दिस, 2 पे। ओके, हो गया उसका काम। अब इसमें हमें जो लोगो है YouTube के PNG, उसमें हमें शेडो डालना है, लाइक दिस। ओके, तो अब यहाँ पे YouTube में शेडो डालने के लिए, पहले तो मैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके और दोनों लाइट को यहाँ से लॉक कर देता हूँ, और इसको भी लॉक कर देते हैं। इतना करने के बाद इस पर टैप करूँगा, एंड इस पर टैप करने के बाद इनर शेडो का ऑप्शन मिल जाती है यहाँ पे, उस पर क्लिक करना और इसको इनेबल कर देना। और यहाँ पे जो मतलब लाइट बैकग्राउंड में रहेगा, जो लाइट इस पर देना है वही लाइट का जो कलर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज मेरा ए वाला कलर ले ले रहा हूँ। उतना करने के बाद ऑफसेट वाई है ना, इसको थोड़ा बढ़ा देना, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से बढ़ाने के बाद अब ब्लर रेडियस को थोड़ा मैं इस तरीके से ऑफ कर लेता हूँ। एक काम और कर सकते हो, प्लस पे क्लिक करना और इसको भी इस तरीके से खींच लेना, या इसको नहीं खींचना है तो इसको इस तरीके से खींच लेना। ओके, इसको खाली इधर खींचना और यहाँ पे शेडो वाले ऑप्शन में जाना और इसको ऑन कर देना। और यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ ब्लैक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ब्लर रेडियस को थोड़ा बढ़ा देना, लाइक दिस, एंड इसको डन कर देना। ये लाइन एक खींचा हुआ है बीच में, सो लाइन खींचने के लिए शेप में जाना और यहाँ पे मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, लाइक दिस, एंड इसको छोटा कर लूँगा एंड इसको मैं इस तरीके से ओके कर लूँगा। और इसको भी और पतला कर सकता हूँ, लाइक दिस। और साइड में तुम्हें पोजीशन का ऑप्शन मिल जाती है, उस पर क्लिक करना और इसको इस तरीके से कर लेना एंड इसको टिक कर देना। अभी कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पे थोड़ा ओपेसिटी को कम कर देना, लाइक दिस। हाँ, हो गया हो गया। अभी इसमें अब टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे ए पे क्लिक करना एंड फॉन्ट में जाना। ओके, तो इस फॉन्ट को ऐड करना है, ठीक है। अब इस थंबनेल को ध्यान से देखोगे तो इस बल्ब के पीछे जो लाइट लगा है ना, उसमें थोड़ा ग्रीन ग्रीन टाइप दिख रहा है, तो वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। अगेन आना यहाँ पे पिक्सल लैब में, एंड उसके बाद यहाँ लेयर पे क्लिक करना और जो ये लाइट है ना पीछे का, इस वाले मतलब लेयर पे क्लिक करना और इसको अनलॉक कर लेना। देन इसमें क्या करना है, शेडो में जाना और इसको इनेबल कर देना। और इनेबल क्या करना है, यहाँ पर आना एंड यहाँ से ग्रीन कलर को ले लेना, ठीक है, लाइक इस तरीके से ग्रीन कलर को ले लेना। तो लो भाई, हो गया सेम। तो लो भाई, हमारा थंबनेल का काम फिनिश होता है। अब सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना, सेव एज इमेज पे क्लिक करना और कस्टम पे क्लिक करके और अल्ट्रा सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी कर देना, दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारा डिकोडिंग वाईटी का थंबनेल का ब्रेकडाउन खत्म होता है। अब तुम इसी मेथड को फॉलो करके अपने वीडियो के लिए वायरल थंबनेल बनाओ और अपने CTR को हाई करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।